हेलो फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं यार मनी के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो ज़रा मनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मनी के लिए कुछ देखते हैं बुक्स में। ठीक है, अब जरा इसको देखो ध्यान से यार। ठीक है, ये सिंपल मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे अब तुम्हें ये इमेज जो दिख रही होगी 50 पैसे की इमेज है ये। ठीक है, अभी तो चलता नहीं है, ऑलरेडी बंद हो चुका है ऐसे, मगर ये देख लो पहले 50 पैसा ऐसे होता था, 1 रुपी, दिस इज 2 रुपी, दिस इज 5 रुपीज़। ठीक है, और ये 20 रुपये का नोट दे रखा है, थोड़ा चेंज होता है मगर ये बुक में समझने के लिए काफ़ी है इतना। ठीक है, हमारे समझने के लिए इनफ। ये 10 रुपीज़ है। अब देखो जरा यहाँ पे दे रखा है 50-50 का, 50-50 पैसे का 2 सिक्के दिए हैं। ठीक है, यहाँ 5-5 रुपये के 2 सिक्के हैं, यहाँ 25-25 पैसे के 2 सिक्के हैं, यहाँ पे 1-1 के 2 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपी 1 रुपी के, यहाँ पे ध्यान से देखो यार, 2 रुपी 2 रुपी 1 रुपी, 3 सिक्के हैं यहाँ पे, यहाँ पे 10 रुपी 10 रुपी के 2 सिक्के हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज का जो एक्सरसाइज गया होगा, इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो जरा पहले इसको समझ लेते हैं, उसमें आसानी हो जाएगा करने में। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 50 पैसा, अब मैचिंग करना है सिक्कों से, इसके कितने छोटे छोटे और सिक्के बनाए जा सकते हैं 50 पैसे में। तो जरा देखो मैचिंग आ रहा है 25 पैसा 25 पैसा, यानी 25 25 कितना होता है, 50 होता है, यानी अगर हमारे पास एक 50 पैसे की सिक्का है। ठीक है, इफ वी हैव अ कॉइन ऑफ 50 पैसा, देन 50 पैसे में कितने क्वाइन हमें मिल जाएंगे, 25 25 पैसे के 2 क्वाइंस मिलेंगे। पहले मिलते थे, अभी बंद है इसलिए ज़्यादा इस बात नहीं करेंगे, जो हमारे लाइव है अभी सिक्के उसके बात करें। जैसे 1 रुपया, यहाँ पर 1 रुपया तो अभी चलता है। ठीक है, तो 1 रुपया का देखो जरा यार, 1 रुपया है इसमें, देखो जरा कॉम्बिनेशन 50 पैसा 50 पैसा, 1 रुपया में 2 50 पैसे होते हैं। ठीक है, जैसे 50 पैसा 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 50 पैसा और 50 पैसा जोड़ोगे तो 100 पैसा तुम्हारा हो जाने वाला है। ठीक है, इस तरह से हमारा को 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर यार, अब यहाँ पे दे रखा है 2 रुपये का सिक्का एक। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, 2 रुपये का सिक्का है ये। अब 2 रुपये का सिक्का इस कालम में देखते हैं यार, 2 रुपये किसके साथ जाएगा, देखो यार। अब हम तो जानते हैं 1 1 2 होता है, तो यानी एक का सिक्का 2 ले लें तो 2 रुपये का हमारा सिक्का एक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे 5 रुपया है। ठीक है, 5 रुपया दिख रहा है, जूमिंग किया है मैंने, तो 5 रुपया, तो 5 रुपया के साथ आते हैं इधर है। अब देखो इधर यहाँ पे 2 + 2 + 1 दैट इज 5, तो जब 5 रुपये का सिक्का को कम्बाइन करना पड़ेगा, तो हमें अगर हमारे पास 2 रुपया 2 रुपया और 1 रुपये का सिक्का हो 3 ठो, तो हम आसानी से 5 रुपये का सिक्का बना सकते हैं। ठीक है, अब दिस इज 20 रुपीज नोट, ये 20 रुपये का नोट है। अगर हमारे पास, अब कॉम्बिनेशन हमारे पास एक ये बचा है और एक ऊपर वाला ये 5 रुपये वाला बचा है, तो 5 5 2 80 बनता है, 20 तो बनने वाला है नहीं, तो हमारे पास आएंगे हम, अगर 10 10 के 2 सिक्के हो हमारे पास, तो आसानी से हमें क्या बन जाएगा, 20 का नोट आसानी से बना सकते हैं, यानी 20 रुपया मतलब 10 10 का 2 सिक्का, यानी 20 रुपया। ठीक है, तो आसानी से हमें को जुड़ जाएगा ये। अब यहाँ पे 10 रुपया बचा है, तो 10 रुपया के साथ कौन जाएगा, अगर 5 के 2 सिक्के तुम्हें दे दिया जाए, तो 2 बिस्किट तो खरीद सकते हो यार, 5 5 वाले 10 रुपये में। ठीक है, तो यानी 10 रुपये में 5 5 के 2 सिक्के हों हमारे पास, तो आसानी से हम कितना बना सकते हैं उसे, 10 रुपया बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब आते हैं, समझ गए होगे, तो एक्सरसाइज पे आते हैं थोड़ा यार। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 10 पैसा + 10 पैसा = 20 पैसा, इसमें तो ठीक है समझ में आ रहा होगा। अब ऊपर हम देख रहे थे 25 25 मैंने 25 पैसा और फिर से 25 पैसा, तो देखो जरा यहाँ पे यार, यहाँ पे दिया है 25 पैसा 25 पैसा, इसको जोड़ा किसके साथ है, 50 पैसे के साथ, यानी 25 और 25 कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, 50 होता है ना, 25 पैसा और 25 पैसा यानी 50 पैसे। ठीक है, तो 50 पैसे हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एडिशन है सिंपल पैसे में। ठीक है, तो पैसे जोड़ो और लिखो आराम से हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब इधर देख लेते हैं यार रुपीज में, इधर रुपीज में किया गया है, जैसे 1 रुपये का सिक्का एक हो तुम्हारे पास, एक 2 रुपये का सिक्का हो, तो 3 रुपया तो बन जाएगा ना यार। ठीक है, तो उसी तरह 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये, तो 7 रुपये तुम्हारे पास हो जाएंगे टोटल। तो ये मनी जोड़ के आसानी से हमें लिख लेना, ठीक है,
तो समझ में आई होगी इसको। जब सिक्कों पे ध्यान दोगे तुम लोग, 10 के सिक्के हैं नीचे वाले ये, ठीक है, ये तुम्हारे 2 के 2 के 1 के सिक्के हैं, ये 1-1 के 2 सिक्के दे रखे हैं, ये 25-25 पैसे अभी चलते नहीं है, देख लो ऐसे ही होते थे, ये 5 रुपये के सिक्के अभी तो हमें पता है ना, 5 के तो चलते हैं, 50 पैसे सिक्के, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, ठीक है, और ये 20 का नोट है हमारा, 10 का नोट है, ठीक है। तो इस तरह से पैसे हैं, तो इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो आसान से ध्यान से करना, आ जाएगा सलूशन, ठीक है, धन्यवाद।